हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं हम कोलकाता के सबसे बेहतरीन 10 जगहों के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 10 से। नंबर 10, सेंट पॉल्स गिरजाघर। अपनी बौद्धिक वास्तुकला के लिए जाने जाने वाला सेंट पॉल्स गिरजाघर देश के सबसे अहम और सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। क्रिसमस के मौके पर यह रोशनी में नहा जाता है। नंबर 9, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता की खास पहचान है और यहाँ से हर रोज लाखों वाहन गुजरते हैं। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु भी कहा जाता है और ये ब्रिज अपनी तरह का सबसे लंबा ब्रिज है। नंबर 8, इको टूरिज्म पार्क। कोलकाता का इको टूरिज्म पार्क मौका देता है आपको प्रकृति से जुड़ने का और ये 475 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर बोटिंग साइकिलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। नंबर 7, इंडियन म्यूजियम। कोलकाता का इंडियन म्यूजियम देश के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। यहाँ पर देश की संस्कृति परंपरा को और करीब से जाना जा सकता है। यहाँ पर आभूषणों, वस्त्र, खनिज, मूर्ति और चित्रों का बहुत ही अच्छा संग्रह है। नंबर 6, निको पार्क। पश्चिम बंगाल के डिज्नीलैंड के नाम से जाने जाने वाला निको पार्क कोलकाता में मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पर बच्चों एवं बड़ों के लिए ढेरों राइड्स उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, जिससे आपको मिल सकेंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। नंबर 5, साइंस सिटी। कोलकाता के साइंस सिटी का उद्घाटन 1997 में हुआ था। ये जगह विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है और पर्यटकों को काफ़ी पसंद भी आता है। नंबर 4, बेलूर मठ। हुगली नदी के किनारे बसा ये मठ 40 एकड़ में बना हुआ है और ये रामकृष्ण मठ मिशन का मुख्यालय भी है। देश विदेश से साधना के लिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपको शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नंबर 3, दक्षिणेश्वर मंदिर। कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर काली माता को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। दक्षिणेश्वर मंदिर धार्मिक पवित्रता की खासी पहचान है। ये मंदिर 25 एकड़ में बना हुआ है। नंबर 2, फोर्ट विलियम। कोलकाता का फोर्ट विलियम एक किला है जिसका निर्माण 1696 में किया गया था। मौजूदा समय में ये किला भारतीय सेना की संपत्ति है, जहां जरूरत पड़ने पर 10,000 जवान तैनात किए जाते हैं। नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता का जिक्र हो और विक्टोरिया मेमोरियल का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भव्य स्मारक क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। देश के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है। इसकी शालीनता देखकर आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। कोलकाता में इन 10 जगहों के अलावा आप इडन गार्डन, काली मंदिर, बिरला प्लेनेटोरियम, मदर हाउस, बिरला मंदिर, पार्क स्ट्रीट, मार्बल पैलेस और बोटैनिकल गार्डन देख सकते हैं। और अब जब आप जान गए हैं कोलकाता के 10 सबसे प्रमुख स्थानों के बारे में, तो अब आपके लिए एक प्रश्न है। आपको इसका जवाब कमेंट के द्वारा बताना है कि कोलकाता के उस मठ का नाम क्या है जो रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय भी है। इसका जवाब इसी वीडियो में छुपा है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके शेयर, लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपसे कोई वीडियो छूट ना जाए, इसलिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।